हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्रॉनिकल। मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के डील बिग सेविंग डेज के बारे में, जो कि 23 जून 2020 से लेकर 27 जून 2020 तक अवेलेबल है। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स बिगिंस एट 8 PM फॉर प्लस मेंबर्स। ये इसके कहने का मतलब है कि 22 जून को 8 PM पर जो भी लोग फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हैं उनके लिए डील स्टार्ट हो जाएगी। डील का नाम है बिग सेविंग डेज। चलिए देखते हैं इस डील के बारे में। तो ये डील हमें HDFC के कार्ड पर देखने को मिलती है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो चलिए और अंदर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों को देखने से पहले देखते हैं छोटे अक्षरों को। तो यहाँ बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एक्सेप्ट ग्रॉसरी एंड मोबाइल्स। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि ग्रॉसरीज़ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो मिलेगा 1500 का। ठीक है, मिनिमम ट्रांजेक्शन्स आपको करना होगा 1500 का। मोबाइल्स पर आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन्स करना होगा 5000 का और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 750 का HDFC के क्रेडिट कार्ड पर, और डेबिट कार्ड पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट 500 रुपीज़ का। ठीक है, ये है आपका रूल। तो चलिए अब चलते हैं डील्स की ओर। ठीक है, तो डील्स पर हमारा जो सबसे ऊपर मिलता है वो हमारा मोबाइल एंड टैबलेट। तो चलिए देखते हैं मोबाइल। फर्स्ट फ़ोन है हमारा वीवो Z1X का। तो ये 6GB 64GB का आपको पड़ रहा है 14,990 का। ठीक है, और अभी अगर इसकी प्राइस देखें तो इसकी प्राइस है 17,000 अप्रॉक्स। तो इसका मतलब है आपको ये कुछ 2,000 ऑफ हो रहा है, प्लस आपको 750 रुपीज़ और ऑफ हो जाएगा अगर आप इसको क्रेडिट HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। तो हमें ये डील कुछ पड़ेगी 13,000 की। इस डील पर ये फ़ोन अच्छा है। अगला फ़ोन है हमारा ओप्पो A19। ये हमें पड़ रहा है 13,000 और अगर हम डील लगा कर देखते हैं तो ये हमें पड़ेगा कुछ 11,300 का। अभी इसकी करंट प्राइस जो है वो है हमारी 16,000। तो ये भी एक अच्छी डील है। फिर हम बात करते हैं सैमसंग A80। अगर आपको याद हो ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 45,000 के आसपास। ठीक है, अभी इसकी प्राइस दिखा रहा है 42,000 और डील के समय में ये हमें पड़ रहा है 22,000, मीन्स 50% ऑफ, प्लस आपको 750 रुपीज़ और ऑफ होंगे। तो मतलब कुछ 21,350 रुपीज़ का आपको ये फ़ोन पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है, ठीक है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कैमरा है जो रोटेट होकर आपको फ्रंट कैमरे की तरह भी काम करता है और बैक कैमरे की तरह भी काम करता है। तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं। अगला फ़ोन हमें मिलता है फ्लैगशिप प्रोसेसर पे, जो कि है रेडमी K20 सीरीज़। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा रेडमी K20 और K20 प्रो है। तो रेडमी K20 पर हमें एक्स्ट्रा 2000 एक्सचेंज ऑफ़र मिल रहा है और रेडमी K20 प्रो पर वो चीज़ नहीं है। तो ऑफ़र में रेडमी K20 की प्राइस 20,500 और इसकी 23,500। तो मैं इसमें आपको K20 प्रो रिकमेंड करूँगा। अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो तो आपको ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको कुछ लेस देन 23,000 में आएगा, 6GB 128GB वर्जन, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर हम रियलमी X2 प्रो की बात करें तो ऑफ़र में ये हमें 26,000 देखने को मिलेगा। अगर हम 750 और ऑफ़ कर दें तो हमें कुछ 24,25,300। ये भी फ़ोन आप देख सकते हैं। रियलमी X मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मोटो रेज़र, इस पर आपको 25,000 ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो आपको पुराने मोटो की याद दिलाए तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं। वैसे मैं ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर चलते हैं मोस्ट अफोर्डेबल रियलमी 6 की तरफ। तो रियलमी 6 अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, 90Hz डिस्प्ले आपको चाहिए, 30W की फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। रियलमी 6 प्रो, ये फ़ोन तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस पर कोई भी ऑफ नहीं है। मोटोरोला वन फ्यूज़न, ये फ़ोन जो मुझे लगता है ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर इसके कॉन्फ़िगरेशंस पे हम जाएँ तो इसमें क्वालकम 730 मिल रहा है, 5000 mAh बैटरी मिल रही है आपको। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और पीछे की तरफ
क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जो कि 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मोटरोला की तरफ से ये फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है। तो इस फ़ोन पर भी आपको कोई ऑफ़र देखने को नहीं मिल रहा अभी तो, बट आपको 750 ऑफ होगा HDFC के कार्ड पर, तो आप ये फ़ोन भी देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं iQOO 3 की। तो iQOO 3 पे हम ऑलरेडी जानते हैं इस पे ICICI कार्ड का ऑफ़र चल रहा है। तो अगर हम इसके वॉल्केन ऑरेंज की बात करें तो इस पे हमें ICICI का 3000 ऑफ मिल रहा है, तो कुछ ये हमें 31990 का पड़ेगा। तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, गेमिंग अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसका 128GB और 256GB रिकमेंड करूँगा। मैं इसका 5G वर्जन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 5G इससे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं इससे अच्छी प्राइस में। अगले फ़ोन की बात करें, रियलमी X3 एंड X3 सुपर जूम, ये हमारा लॉन्च होने वाला है 25 जून को, ठीक है। अगला फ़ोन हमारा नार्जो की सीरीज़ 10A, तो ये फ़ोन भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा फ़ोन देख रहे हैं जो लेस देन 10,000 हो, तो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। आईफोन एसी अगर आप बैटरी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ़ोन को दिन में 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं क्योंकि इस फ़ोन का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपको इस पर 3600 इंस्टेंट डिस्काउंट अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एप्पल का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं 40,000 के रेंज के आसपास, तो ये करंट मार्केट में सबसे चीप आईफोन है जो कि A13 बायोनिक चिप के साथ आता है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अगले फ़ोन की तरफ चलते हैं, Poco X2। ये फ़ोन अभी 17,499 का देखने को मिल रहा है। इस पर भी आपको कुछ 750 ऑफ होगा, तो ये आपका लेस देन 17,000 हो जाएगा, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। Redmi 8, ये भी एक अच्छा फ़ोन है और आफ्टर प्राइस ये आपको कुछ 9,000 के आसपास पड़ेगा, जिस प्राइस पर मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी के फ़ोन्स, अगर मोटरोला एज की बात की जाए, तो इस पर हमें ऑलरेडी 7,500 ऑफ मिल रहा है ICICI के कार्ड पर। अगर आप मोटरोला के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप चाहते हैं कोई मोटरोला का एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करना, तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 12GB की रैम देखने को मिलती है, 256GB की आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, 6.7 इंच फुल HD डिस्प्ले है, Full HD+, और प्राइमरी कैमरा जो है इसका, जो सबसे बड़ा फोकस है वो इसका प्राइमरी कैमरा है जो कि 108 मेगापिक्सल का है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इस पर 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, 865 क्वालकम का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा है, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन आती है, और ये इसकी स्क्रीन जो है वो कर्व्ड स्क्रीन है। तो अगर आप मोटरोला का कोई फ्लैगशिप देखना चाहते हैं, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम अगले फ़ोन की बात करें, तो हमें ऑनर का 9X Pro देखने को मिलता है। ये अगर आपको पता हो तो ऑनर और हुआवे में अभी करंटली गूगल मोबाइल सर्विसेज नहीं आ रहा है, GMS का सपोर्ट नहीं है। अगर उसके बिना आप इस फ़ोन के साथ फ़ाइन हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। वैसे आपको दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाएंगे इससे अच्छे प्राइस में। अब अगर हम बात करते हैं iPhone 7 Plus की, जिसे मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत ही पुराना फ़ोन है, इससे अच्छा है आप iPhone SE देख लें, ठीक है। Pixel 3a, अगर कैमरा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप इस फ़ोन को अभी भी देख सकते हैं। 30,000 की रेंज में गूगल की तरफ से आने वाला क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड विथ टॉप नॉच कैमरा, आप इसे देख सकते हैं। Vivo Nex, ये फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमें प्रोसेसर पर 845 देखने को मिलता है, जबकि सेम प्राइस के साथ इससे भी कम प्राइस में आपको 855 देखने को मिल जाएगा, तो मैं Vivo Nex को रिकमेंड नहीं करता हूँ। iPhone XS अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी करंट प्राइस इसकी अगर आप देखिए तो 63,000 दिखा रहा है, लेकिन ऑफ़र में आपको ये 59,000 के आसपास पड़ेगा, 58,300, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। iPhone 7 No, Samsung Galaxy S10 Lite, इस पे आपको 4,000 इंस्टेंट ऑफ मिलेगा HDFC के कार्ड पर। तो अगर आप अभी इसकी प्राइस देखेंगे, तो आपको 43,000 दिखा रहा है, तो ये आपको कुछ पड़ेगा 4,000 ऑफ करके 39,000 का, जिस प्राइस सेगमेंट पे ये फ़ोन जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को, आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। iPhone XR, फिर से वही, अगर आपको iPhone पसंद है, तो आप iPhone XR और iPhone 11 सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर हम बेस्ट डील की बात करें,
तो MI मिक्स 2 जो कि एक सिरेमिक बॉडी के साथ आता है, ठीक है। अगर आपको 15,000 में कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो हाथ में लेने पर लोग देखें और कहें ओ माय गॉड क्या फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसका कैमरा, फ्रंट कैमरा कुछ खास नहीं है, बैटरी भी 3400 mAh ही है। अगर आप इस फ़ोन की तरफ जाते हैं और तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए लुक्स, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं वीवो Z1 प्रो, ये अभी आपको कुछ पड़ रहा है 14,000 का, ठीक है। तो मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। Realme 5 Pro, नो। Vivo U10 सेम 665 के साथ देख सकते हैं आप। Asus Max Pro M1, ये फ़ोन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था ये कुछ 12,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अभी ये आपको 9,000 में मिल रहा है, 64 GB, 32 GB आपको 8,000 में मिल रहा है। ये फ़ोन आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपको लेस देन 8,000 में कोई फ़ोन अच्छा चाहिए तो। फिर अगर हम अगले फ़ोन की बात करें, Y9 Prime, सेम वही GMS इशू, Samsung A50 आप ये फ़ोन देख सकते हैं, क्योंकि A सीरीज़ M सीरीज़ से काफ़ी अच्छी होती है दिखने में, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। अगर अगले फ़ोन की बात करें हम, तो ये सब तो लॉन्च्ड हैं, जो जस्ट लॉन्च्ड हैं, आप इनको देख सकते हैं अगर आपको। तो मेरी तरफ़ से यही थे कुछ अच्छे फ़ोन जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, और बाकी तो मुझे इतना कुछ खास इसमें नहीं लग रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इसी तरह की टेक न्यूज़ अच्छी लगती है, अगर आपको और भी टेक न्यूज़ देखनी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।